smiled at them and said, she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said, she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said, she told me so. پاکستان نے خود کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ واقعی میڈیکل بورڈ جو حکومت نے بنایا ہے اس کے مطابق ان کی طبیعت خراب ہے اور انہیں اور لاہور ہائی کورٹ نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم کورٹ نے ان کو ضمانت دی ہے کہ آپ ملک کے اندر علاج کرائیں باہر علاج کرائیں جہاں آپ کا بہترین علاج ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ علاج کروائیں اور کل جو کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے مشروط فیصلہ کیا ہے میں پاکستان مسلم لیگ کا کارکن ہونے کے ناطے اس فیصلے کی پرزور اظہار میں مذمت کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے اوپر ایک کورٹ
जो कैबिनेट की ने लगाई है, मैं समझता हूँ ये गैर आईनी है और गैर कानूनी है। हम इसको कंडेम करते हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है, इजारादारी है और एक बदमाशी चल रही है। इस बदमाशी को आप अपोजिशन नहीं मानती, नहीं मानती, नहीं मानती। एहतजाज कर रही है आज जिस तरीके से सुन्नी के अंदर दो कवानीन को बुलडोज करके पास किया गया। एक तो हम इंशाल्लाह इस गलत कानून साजी को, इसमें कानून साजी के मुरवजा तरीक़ेकार को वायलेट किया गया है, उनको दोनों को अदालतों में चैलेंज करेंगे। मिनरल्स एक्ट ले आए हैं और जो लोग गवर्नमेंट एक्ट आज ही पेश हुआ, आज ही पास हुआ, इन दोनों को अदालतों में चैलेंज करेंगे। मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि पूरी अपोजिशन अदालत के अंदर गई थी और अदालत ने हुकूमत को डायरेक्शन इशू किए थे कि ये जो फंड्स हैं इसको आप पार्टी की बुनियाद पर तकसीम नहीं कर सकते हैं और वज़ीर आला जो है वो डायरेक्शन इशू नहीं कर सकता है और वज़ीर आला फंड्स के अंदर जो असेंबली से पास होते हैं कोई डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता जो है। तो फ्लोर पे भी साहबजादा सनाउल्ला साहब को बाकायदा हमारे साथ मौजूद हैं थे वहाँ पे जब हम लोगों ने उनको बताया और ये उसने पार्टी वायलेशन की है। बाकायदा तौर पे हुमायूं खान और चेयरमैन साहब की नॉलेज में ला के उसको भी शोकाज नोटिस दिया जाएगा। वो हमारे साथ आखिरी वक्त तक मौजूद थे मीटिंग में और उसके बावजूद वो नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी मिली भुगत अंदर है। और वो जिस तरीके से उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस जब मैं बात कर रही थी उन्होंने मुझे डॉक्टरों के मसले में जब टोका और उन्होंने अपनी राय दी वो भी उनकी जाती राय है। आज का ना आना भी उनकी जाती राय है। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और एमपीएस एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। मारूफ किया जा रहा है हालांकि आइन के तहत ये सबका हक बनता है सुबह सुबह में चाहे कोई अपोजिशन से ताल्लुक रखे चाहे गवर्नमेंट पार्टी से ताल्लुक रखे, ये आवाज का हक होता है। इसलिए उसके लिए हमने आवाज उठाई है और इस सिलसिले में हम ये एहतजाज भी आज यहाँ कर रहे हैं वज़ीर आला के हाउस के सामने ताकि वो उसको ये साफ हो कि ये जो मुतालबा है ये आवाम का मुतालबा है, हल्कों का मुतालबा है, इसका राइट बनता है, आइन के तहत कानून के तहत उनका हक बनता है। इस वजह से आज जबकि ये अपने जो मेम्बरान हैं उनको नवाजते हैं और अपोजिशन के मेम्बरान को उनके हल्कों को मारूम रखते हैं, ये आइन की खिलाफवर्जी है, अदालत के फैसले की खिलाफवर्जी है। कोर्ट ने जो फैसला किया है कि हाई कोर्ट पेशावर ने कि तमाम हल्कों को बराबरी मसाफ लाइट लाइट छोड़ दो जितने देखो ये एक टोकरे एहतजाज है वज़ीर आला हाउस के सामने 44 एमपीएस सूबे की आबादी को जब हम देखते हैं तो तकरीबन 50-60 लाख की आबादी के नुमाइंदा अपोजिशन जमातें सिर्फ हाउस के सामने आते बुनियादी वजह पिछले 6 सालों से यानी इस सिलेक्टेड हुकूमत ने अपोजिशन को जिस तरह की दीवार से लगाया है और मुझसे पहले भी बात की गई सूबे के वसाइल को ज़ाती जागीर समझ कर बांट रहे हैं अपनों में यानी लाडलों में बांट रहे हैं और अपोजिशन के जितने भी हल्के हैं उनको तमाम तरक्याती अमल से माइनस कर दिया गया है, उनको महरूम कर दिया गया है। हम ये पूछने आए हैं, ये बात हमने कई दफ़ा इसम्बली दौर से उठाई है, हमें मजबूरन अदालत ने की जाना पड़ा, हमने एहतजाजें भी की हैं, अदालत ने हमारे हक में फैसला भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मौजूदा हुकूमत जो है वो कानूनी अदालत की मुर्तकिब हो गई है। यानी अदालत ने एक क्लियर कट डायरेक्टिव इनको दी है कि सूबे के वसाइल सियासी और ज़ाती बुनियादों के बजाय बराबरी और ज़रूरत की बुनियाद पर तकसीम होंगे, लेकिन उन लोगों के सामने अदालतों के फैसले भी कोई मायने नहीं रखती। भाई नहीं लाइटें ठीक कर।
यार लेट सफर का वैसा जोड़ो ये बना रहे हैं ना मार्डी से ऐसे हैं तो आप क्या मरा था कमो कमो ना लेट भी सही है ना लेट भी सही है लेट डरे का योकार का हुआ किसी ने डांट ना देना और असेंबली इजलास से वापस आते हुए यहाँ पर हमने देखा कि हमारे अपोजिशन के जो मेंबरान हैं हमारे वो इधर रोड के साइड पे अपना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे और आप मीडिया के दोस्त भी मौजूद थे। तो मैं और हिशाम खान हम यहाँ पर अपनी गाड़ी से हम उतरे और उनसे हमने पूछा कि आपकी क्या रिजर्वेशन हैं। तो उन्होंने हमें दो पॉइंट पे अपनी रिजर्वेशन बताई। वज़ीर आला हाउस के अंदर हम गए और हमने वहाँ पर वज़ीर आला साहब से ये इशू बताए जो उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर एक कल्चर भी है कि बाहर आके, और ये हमारे कलीग भी हैं असेंबली के अंदर, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर है, बाहर आके मैंने और हिशाम नामुल्ला खान साहब ने, हम दोनों ने उनसे कहा कि आपकी बात हमने सुन ली है, आपकी बात वज़ीर आला साहब तक पहुंच गई है और जो भी जायज़ बात होगी, जो भी सूबे के मफाद में होगी, उसके ऊपर गौर किया जा सकता है। तो मैं शुक्रिया अपोजिशन का भी अदा करना चाहूँगा, मेंबरान का, कि हमारे आने पर और हमारे बात करने पर उन्होंने अपना यहाँ पर जो वो एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे वो ख़त्म कर दिया है और वो वहाँ से यहाँ से वापस आए। इन्होंने दो निकात बताए हैं, एक फंड्स की बात की है कि उनके इलाकों को फंड्स दे दिए जाएँ, तो उसके ऊपर भी हमने बात कर ली है, और दूसरा उन्होंने कहा कि कानून साजी के अंदर उनको थोड़ा सा ज़्यादा एतमाद में लिया जाए। तो इंशाल्लाह जो भी जायज़ बात होगी, जो सूबे के मफाद में होगी, वो मेरे ख्याल में हुकूमत उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इस वक्त कम अज़ कम वो चले गए हैं और इंशाल्लाह हम उनके साथ रब्ते हैं। उन्होंने तो ये कहा कि वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे, तो आप ये मुतालबे नहीं मानेंगे तो मुझे नहीं जी, अभी जब हम आए उन्होंने बात मान ली और वो चले गए, तो आप क्यों उनको एहतजाज पर रुकता रहे। Thank you very much.